बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि तिली को पानी लगाते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। क्या तिली को हम आम फसल की तरह पानी लगा सकते हैं या इसको पानी लगाने के लिए कोई मखसूस वक्त होता है? दोस्तों, जो तिली है इसको हम आम फसल की तरह पानी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तिली की फसल में पानी खड़ा हो जाएगा और सूरज की रोशनी से पानी का टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा हो जाता है, तो उससे ये होता है कि हमारे तिली के जो पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं। तो हमें ये आम फसल की तरह तिली को पानी नहीं लगाना चाहिए। तिली को पानी लगाने का एक मखसूस वक्त है, उसके दौरान, उस टाइम के दौरान अगर पानी लगाएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी तिली के जो पौधे हैं या फसल है वो मुरझाएगी नहीं। तो इसके लिए हमें तिली को या तो असर के टाइम पानी लगाना चाहिए, तकरीबन असर और मगरिब के दरमियान, या फिर रात को। उसका यह फ़ायदा होगा कि जब हम असर के टाइम या रात को पानी लगाएंगे तो सुबह दिन होने तक ज़मीन पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेगी। अगर हम दिन को पानी लगाएंगे, ज़मीन इतना जल्दी पानी को जज़ब नहीं करती, उससे ये होगा कि दिन को जब सूरज की रोशनी पड़ेगी ज़मीन पर या पानी पर, तो उससे उसका टम्परेचर बढ़ेगा और साथ हमारी फसल को नुकसान होगा। इसके लिए हमें चाहिए कि हम तिली की फसल को पानी असर और मगरिब के दरमियान भी लगा सकते हैं और रात को भी लगा सकते हैं, ताकि हम अपनी तिली की फसल को नुकसान होने से बचा सकें। इसलिए आम फसल की तरह हमें तिली को पानी नहीं लगाना चाहिए। तिली का एक मखसूस वक्त है जो मैंने वीडियो में बता दिया, उस टाइम पे अगर लगाएंगे तो आप अपनी फसल को नुकसान होने से बचा लेंगे।